बल्कि ये शनाया इतने गुस्से में क्यों है और आजकल इसे इतना गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि गुस्सेल है और आजकल इसे हर बात पे गुस्सा आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे समझ नहीं आई कि आज इसे गुस्सा आया क्यों। बल्कि तुम्हारी ये जो बहन है ना, ये सच में बहुत अतरंगी। तुम्हें क्या हो गया, तुम इतने टेंस क्यों हो गए? राजवीर देखो, ऐसा ना कभी कभी होता है, मतलब दो लोग एक जैसे होते हैं। अब क्या कर सकते, मतलब मैं पहले बहुत सोचती थी, उसको समझाने की कोशिश करती थी, बहुत टेंशन खुद लेती थी, लेकिन अब ना सब कुछ मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि समझाने से कुछ बताने से कोई फायदा नहीं हो, वो समझेगी भी नहीं, कुछ होगा भी नहीं। अगर परफेक्ट, आई मीन परफेक्ट कपल, देन लाइक जस्ट मेड फॉर ईच अदर। माना शनाया सही से बिहेव नहीं करती, बहुत मिसबिहेव करती है, कभी सही रास्ते पे नहीं चलती, हर फैसले उसके गलत होते हैं, पर आजकल तो सारे फैसले गलत हैं, माना मैंने, लेकिन ये जो सारे गलत फैसले ले रही है ना, उसकी वजह शौर्य है, हर वक्त उसके सिर पे बैठा रहता है। वरना शनाया इतनी बुरी लड़की नहीं है और गलत लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मतलब वक्त के साथ साथ समझ जाएगी वो कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। कब समझेगी? शादी हो जाने के बाद समझेगी, मतलब लाइफ बर्बाद हो जाने के बाद समझेगी वो। बल्कि बताए कुछ बातें ना हमें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए, जब सही वक्त आता है तो बुरा भी सही हो जाता है। लेकिन तुम इतने अच्छे कैसे हो? अच्छा हाँ, आई मीन अगर राजवीर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं पता नहीं शनाया को क्या क्या सुना देती, क्या क्या बोल देती, कैसे रिएक्ट करती, मुझे खुद नहीं पता मैं क्या कर देती। अच्छा हुआ तुम मेरी जगह पर नहीं हो। और पलकी, अगर तुम मेरी जगह पर होती भी ना और इतना गुस्सा करती तो भी चलता, क्योंकि तुम गुस्से में बहुत मासूम लगती हो। अब एक शांत रहे दूसरा अशांत रहे तो भी चलेगा, और ऐसा रहना पड़ेगा क्योंकि फिर वो लाइफ का बैलेंस बना रहेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। बल्कि कोई बात तो है, बस मैं ये सोच रही थी कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है, कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं है कि कोई मुझे जान ले, कोई मुझे पहचान ले, कोई मुझे समझे, कोई मेरी हर छोटी छोटी कमी से भी प्यार करे, कोई ऐसा मिल गया है मुझे। यार बल्कि बस अब बहुत हो, आप तारीफ मत करो इतनी, वरना मेरे अंदर गुरूर आ जाएगा, और कहते हैं ना गुरूर किसी के अंदर आ जाए ये बात बहुत बुरी होती है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ओ हेलो, ये बात मैंने तुमसे कही थी, तुमने नहीं? हाँ हाँ कहा होगा तुमने, लेकिन उससे पहले से मुझे ये बात पता है। अब क्योंकि ये बात सच है ना, और सच तो सदियों से चलता आ रहा है। अब देखो राजा रावण के अंदर इतना गुरूर था, उनका कुछ नहीं हो पाया, तो फिर हम क्या चीज है? ओके 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 मिस्टर सिंपल सोबा, मैं समझ गई। लेकिन राजवीर एक बात हमेशा तुम याद रखना कि तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, मेरी हंसी, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी हो तुम।